भोजचाला कमाल मौला मस्जिद में आज ASI 29वें दिन का सर्वे समाप्त। मुस्लिम समाज ने जुम्मे की नमाज अदा की। शहर काजी ने ASI पर उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहेलना का लगाया आरोप। धार भोजशाला कमाल मौला मस्जिद में उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ASI सर्वे का आज 29वें दिन का कार्य 12 बजे समाप्त हुआ, जिसके बाद प्रति शुक्रवार की तरह यहां मुस्लिम समाज ने जुम्मे की नमाज पढ़ी। नमाज के बाद शहर काजी वकार सादिक ने ASI की सर्वे टीम पर उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहेलना का आरोप लगाते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश दिया था कि सर्वे के दौरान किसी भी तरह की खुदाई नहीं की जाएगी, लेकिन सर्वे टीम परिसर में खुदाई कर रहा है, जिससे समाज को आपत्ति है। वहीं मुस्लिम पक्षकार अब्दुल समद ने भी मीडिया से चर्चा में कहा कि खुदाई पर आपत्ति दोनों समाज को लेना चाहिए, लेकिन सामने वाला पक्ष क्यों नहीं ले रहा है, ये उनकी मानसिकता है। पर कमाल मौला मस्जिद में एक भी गेती चलती है तो करोड़ों मुसलमानों के दिल छलनी होते हैं। हमारी आस्था को ठेस पहुंचती है, हमने आपत्ति भी ले ली है और बहुत जल्द कोर्ट जाएंगे। आपको बता दें कि 29 अप्रैल को इसी याचिका पर सुनवाई होना है। माना जा रहा है कि सर्वे का कार्य पूरा नहीं होने पर ASI न्यायालय से और वक्त मांगेगा। फिलहाल आज 29वें दिन का सर्वे समाप्त हुआ है। दोनों पक्ष अपने अपने दावे आपत्ति करते नजर आ रहे हैं। भारतीय न्यूज के लिए धार से साबिर खान FM की रिपोर्ट। ठीक है, सर्वे जारी है तो सभी आप लोगों के माध्यम से सभी लोगों को पता चल गया कि सर्वे जारी है और आप लोगों की बहुत मेहनत है कि हर छोटी बड़ी चीज को आप लोग पूरी पब्लिक के सामने कर रहे हैं और आप ही लोगों से हम सुनते हैं और आप ही लोगों से एजुकेटेड होते हैं। हमने जो मीडिया के ज़रिए सुना और जो हम खुद अभी मस्जिद के अंदर देख कर आए हैं, वो माननीय उच्चतम न्यायालय की पूरी तरह से अवहेलना हो रही है उसके आदेश की। कमाल मौला मस्जिद के बाईं तरफ दक्षिणी दिशा में कम फर्श को 4 फीट तक खोद दिया गया है, जिससे वहाँ पर नमाजी नमाज पढ़ने से वंचित रहे। यह हमारे मूल अधिकारों का भी हनन है और मानव अधिकारों का भी हनन है। क्या ऐसा कोई नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का साक्षर पालन करवा सके? क्या इनके ऊपर कोई अधिकारी नहीं है? यहाँ कब तक इनकी मनमानी चलेगी? अगर फिजिकल एक्सिबिशन के लिए मना करा सुप्रीम कोर्ट ने, तो फिजिकल एक्सिबिशन बोलते किसको हैं? यही बोलेंगे कि यहाँ से आप हवास के ज़रिए धूल हटा दो। अगर आपने हाथ से हटाने की कोशिश करी तो फिजिकल एक्सिबिशन में आ जाएगा माननीय उच्चतम न्यायालय का। और माननीय उच्च न्यायालय ने भी बोला था कि आप इस तरह सर्वे करें कि किसी तरह का भी कोई नुकसान वहाँ पर नहीं हो इमारत को। तो इन लोगों ने हमारी मस्जिद का, हमारी इमारत का मूल स्वरूप परिवर्तित कर दिया है। ये बहुत घोर आपत्तिजनक है उच्च न्यायालय की और उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है। अच्छा, ये नमाज यहाँ पे कब से पढ़ी जा रही, किस सदी से, किस ईस्वी से पढ़ी जा रही? 1307 ईस्वी में ये मस्जिद बनी थी। 1307 ईस्वी से यहाँ पर निरंतर नमाज जारी है और हर चीज़ का हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। और वो रिकॉर्ड सिर्फ हमारा जो रिकॉर्ड है वो तो है ही, और गवर्नमेंट अप्रूव्ड रिकॉर्ड भी हमारे पास मौजूद है। आज में आप में से बास पत्रकार जो लोग मेरे संपर्क में रहते हैं, मेरी बाइटें लेते रहते हैं, उन लोगों को मैं ये सब कागज़ दिखा भी चुका हूँ। जैसे कि आप दावा कर रहे हैं कि इस भवन को नुकसान पहुँचा गया है, तो इसके लिए आगे आप क्या कार्रवाई? बिल्कुल, हमने समाज को बोला है, समाज इसके लिए आगे शिकायत भी कर दी है। और मैं वो एक शिकायत अलग बात है, मैं ये बोलता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, जो लोग पालन नहीं कर रहे हैं, तो क्या इनके ऊपर भी कोई अधिकारी है या नहीं है? मैं तो, आप लोग चौथा स्तंभ है देश का, मैं आप लोगों के माध्यम से ही अपील करता हूँ कि माननीय उच्चतम न्यायालय खुद अपने आप इसका संज्ञान लें। कोर्ट ऑफ कंटेम्प, वो जो हमारे पक्षकार हैं, मैं ये नहीं बोलता कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प वगैरह की बात नहीं करता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि जो उच्चतम न्यायालय का आदेशों का जो उल्लंघन हुआ है, उस पर इन पर ज़रूर कार्रवाई होना चाहिए। इसके अलावा जैसे आप कह रहे हैं न्यायालय की बात है, हमारे माध्यम से तो आप दे रहे हैं कि संज्ञान मूल्य आपके पक्षकार जाएंगे, लेकिन अभी और शिकायत? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पक्षकार ने शिकायत कर दी है इसकी, और हम देखते हैं, और ज़रूरी होगा तो समाज भी इसकी शिकायत करेगा कि इनके ऊपर कौन है, इसमें किसका पालन होता है, कौन पालन करवाने के लिए इसके लिए अधिकृत है। बिल्कुल, हम लोग उसमें शिकायत करेंगे। देखिए, सर्वे में जो रैली रूलिन के उनके जो काम थे वो किए गए, चूँकि आज शुक्रवार था तो 12 बजे तक उन लोगों ने सर्वे किया, और 12 बजे तक भी एक पीछे की तरफ उन्होंने एक आज चूना एक लाइन डाली थी, उसमें फिर से 1.5 फीट आज माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करते हुए उन लोगों ने खुदाई की, जो हमारी बहुत बड़ी आपत्ति थी। और पिछले दिनों भी हमने ये आपत्ति वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष दी है, लेकिन अभी तक उसका कोई निराकरण नहीं हुआ, और
वो लोग खुदाई पे खुदाई किए जा रहे हैं, तो इस संबंध में हम लोग माननीय न्यायालय के समक्ष जाएंगे और जो भी हमारे वकील इसमें हमें तर्क देंगे उस हिसाब से हम काम करेंगे। गौशाला के अंदर भी इस तरह का कोई काम हुआ है? हाँ, पिछले 5 दिन पहले से वो जो उन्होंने ट्रेचिंग के नाम पर और स्क्रेचिंग के नाम पर उसमें करीब करीब 1.5 फीट खुदाई की है, उसमें से एक मूर्ति भी निकली है जो माननीय गौतम बुद्ध जी की है, तो उसको भी छुपाया गया। बहुत सारे साक्ष्य पहले भी इन्होंने जब खुदाई चली थी तो एक मानव शरीर का अंग खोपड़ी नुमा जो निकला था वो भी छुपाया गया, वो भी उसमें ऐड नहीं किया गया। तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन थे, उस क्वेश्चन पे माननीय उच्चतम न्यायालय ने हमें आदेश दिया है और खुदाई पर पूरी तरह रोक लगाई है, और खुदाई को ये कहते हुए रोक लगाई है कि मॉन्यूमेंट में किसी भी तरह का बदलाव या उसके स्वरूप के साथ छेड़छाड़ या उसमें कुछ भी तरह का नुकसान हो ऐसी कोई खुदाई एसआई द्वारा ना की जाए, लेकिन फिर भी वो खुदाई किए जा रहे हैं। तो इस समक्ष हम हमारे वकीलों के द्वारा कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे और बहुत जल्द इसका आपको निराकरण बताएंगे जो भी होगा एसआई के अधिकारी। ये प्रतिमा के बारे में आपने कहा कि गौतम बुद्ध की है, तो उन्होंने बताया है या आपने अंदाज लगाया है कुछ और? देखिए हम एक हिंदुस्तानी नागरिक हैं और हिंदुस्तान में सभी धर्मों का सर्वमान्य और सम्मान के साथ पालन होता है, तो चूंकि हम लोग देखते आ रहे हैं कि हिंदू समाज की कौन सी मूर्ति होती है, बौद्ध समाज की कौन सी मूर्ति होती है, दूसरे समाजों में क्या होता है, मुस्लिम समाज में कैसे प्रार्थना की जाती है, कैसे नमाजें की जाती है, सभी को सब चीज़ें मालूम है, ये एक आम चीज़ है, जनरल नॉलेज की बातें हैं। तो उस आधार पर मैंने जब उनसे सवाल किया तो उनका इस विषय में कोई जवाब नहीं था, और हमने यही कहा कि जब दोनों पक्ष मौजूद है, दोनों पक्ष की मौजूद में कोई सब्जेक्ट की चीज़ निकली है तो आप उसे निकाल रहे हैं, तो उसको किस तरीके से ऐड करेंगे, उसको किस तरह से सर्वे में शामिल करेंगे, उसकी टाइमिंग कैसे ऐड की जाएगी, उसकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी किस तरह से ऐड की जाएगी, तो उस विषय में उन्होंने हमारे कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया और अब तक नहीं दिया, और वरिष्ठ अधिकारियों का हवाला देते हुए वो रोज़ टाल रहे हैं और खुदाई पर खुदाई किए जा रहे हैं, इसीलिए हमारा ऑब्जेक्शन रोज़ बढ़ता जा रहा है। और जो उनके डेली रूटीन के काम हैं उसमें हम पूरा सहयोग कर रहे हैं, वो जो सर्वे करना चाहते हैं वो करें, लेकिन कोई ऐसा काम ना करे जिससे किसी की भावना आस्था को ठेस पहुंचे, क्योंकि करोड़ों मुस्लिमों का यहाँ की आस्था है, और जब भी एक गेती चलती है तो करोड़ों मुस्लिमों के दिल पे वो गेती चलती है, क्योंकि हमारी बिल्डिंग है, हमारी मस्जिद है, तो हम चाहते हैं कि इस तरह का कोई भी चीज़ यहाँ ना की जाए जिससे हमारी आस्था को ठेस पहुँचे। सामने वाला पक्ष इसमें आपत्ति क्यों नहीं ले रहा है ये हमें अभी भी इसमें संशय है, क्योंकि अगर वो भी कुछ चीज़ अगर इसे मानते हैं, कोई चीज़ का ब्लेम करते हैं, तो उनको भी इस चीज़ में आपत्ति लेना चाहिए कि इसका स्वरूप ना बिगाड़ा जाए, क्योंकि अगर वो ये चीज़ रहेगी नहीं तो वो ऑब्जेक्शन और वो टाइटल कैसे मांगेंगे। इसलिए मेरा यही निवेदन है दोनों पक्षों से और सभी वरिष्ठों से कि इसमें सहयोग किया जाए और जो भी हो उसका हल निकाला जाए। बिल्डिंग तो एएसआई की संरक्षण की मानी जाती है, एएसआई के संरक्षण की बिल्डिंग है, तो दोनों पक्ष कहने की हमारी बिल्डिंग के जिस पे आप क्या कहेंगे? देखिए चूंकि बहुत पुरानी बिल्डिंग है और पुरातत्व का इस पर अधिकार है, ठीक है, वो अपनी जगह है, जो सम्मान के साथ जो कानून हमारा जो संविधान कहता है उसका हम पालन करते हैं, और वो संरक्षित घोषित हो चुकी है तो वो संरक्षित रहे, लेकिन उसको उनको एसआई को जो जिम्मेदारी दी गई है वो एक तरह से एज ए चौकीदार की जिम्मेदारी दी गई है, मकान मालिक या बिल्डिंग मालिक की जिम्मेदारी ना दी गई है। इसी को लेके दोनों पक्ष कोर्ट में मौजूद है और कोर्ट में टाइटल डिसाइड के लिए जो याचिकाएं लगाई गई है वो भी एक तरह के अवैध है। जो तरीके होते हैं कोर्ट जाने के, वो कोर्ट जाने के तरीके से जाया जाता है, अगर वो उस तरीके से जाते तो हम लोग भी उस तरीके से उसको फेस करते, लेकिन वो चूँकि पिछले दरवाजे से एकदम से आए और अचानक से 5 फरवरी को उन्होंने एक आवेदन लगाया, उस आवेदन में मांग सर्वे की गई और 19 तारीख को बिना हमें सूचना दिए, बिना हमारे वकील को कोई नोटिस दिए उन्होंने उस पर बहस कर ली, और माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर आदेश भी एक पारित दिया 11 मार्च को। तो उस आदेश के तहत हम लोग माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष भी गए और हमें वहाँ से बहुत बड़ी रिलीफ और राहत मिली है, लेकिन उसका भी ये उल्लंघन कर रहे हैं, इसीलिए हम ये निवेदन कर रहे हैं कि प्लीज़ इन चीज़ों का उल्लंघन ना किया जाए, और जो माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिए उस हिसाब से आप काम करिए और हमारा पूरा सहयोग लीजिए। अभी तक 1 महीना लगभग होने आया है, कितने प्रतिशत आप संतोष है आपको इस सर्वे के कार्यों से और कितना असंतोष है? देखिए जी मेरा ये कहना है कि जैसे उच्च न्यायालय ने जो भी आदेश दिया था हमको, सुनिए
हाँ, उच्च न्यायालय ने जो भी आदेश दिया था उसके बाद हम जो उच्चतम न्यायालय के समक्ष गए और उच्चतम न्यायालय ने जो गाइडेंस दिया है, जो गाइडलाइन दी है, उसके तहत ये लोग चल रहे थे, तो हमारा पूरा सहयोग था और हम उससे पूरी तरह संतुष्ट थे, 110% 110%। लेकिन कुछ दिनों में जो उल्लंघन किया है उन लोगों ने, उससे हमारे दिल को ठेस पहुंची है और वो जो कोर्ट ऑफ कंडेम किया है उन्होंने, उसके हवाले से हम ये कहना चाहते हैं कि पूरी सार्वजनिक तौर पर कि ये चीज़ें जो चली है कानून और कोर्ट के हिसाब से चले। आप कोर्ट ने आपको यहाँ भेजा है सर्वे करने, ना कि किसी समाज ने। आप कोर्ट के हिसाब से सर्वे करिए, आप आपका जिम्मेदारी समझिए और कोर्ट के आदेश का पालन करिए, बस यही। बिल्कुल जीरो हो गया। समद भाई, इसमें एक सवाल आखिरी मेरा ये है कि पहले दिन से ही खुदाई चल रही है यहाँ पर, आज 29 दिन हो गए हैं, पहले तो आप संतुष्ट थे, आप असंतुष्ट क्यों? नहीं, 1 तारीख तक तो हम उसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष गए थे और जब माननीय उच्चतम न्यायालय में उसमें कोई गाइडेंस दे दिया है, तो हम बार बार ये कह रहे हैं कि अगर गाइडेंस कुछ दिया है माननीय उच्चतम न्यायालय ने, तो आप उसका पालन करिए। ऐसे तो फिर कोर्ट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अगर हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो कोर्ट को सर्वमान्य मानकर उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। मैंने ये सवाल इसलिए आपसे पूछा है क्योंकि हम 3-4 दिन से आपकी पिछले बैठ लिए, जब तक तो आप संतुष्ट थे। हाँ, तो जब तक खुदाई बंद थी, पिछले 10 दिन से खुदाई बंद थी, पिछले 3 दिनों से खुदाई की है उन्होंने और वो खुदाई करते करते 1.5 फीट नीचे उतरे हैं। अगर तो ये एक महीने से मूर्ति है उसके पहले मिली, अगर एक पहले नहीं, अगर तो आप कह रहे हो 3 दिन, मंगलवार को मूर्ति मिली है, तो आप जोड़ लीजिए 3 दिन अभी हुए हैं, आज उसको मंगलवार के दिन मूर्ति मिली है। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।